खुदी से करेंगे खुदी इतना ज्यादा, ये हमने है ठाना ये पक्का इरादा। इरादों में फौलाद है इतना ज्यादा, मगर मेरा संयम भी उससे बड़ा है। सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, ये 74वां गणतंत्र दिवस आज हमारे भारत को इस दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया के नजरों में आज हम गर्व से अपना सीना तान करके खड़े हो गए हैं। सचमुच में इसमें कहीं ना कहीं हम सभी का परम योगदान है, और इस योगदान को और भी आगे बढ़ाते जाना है। हमें अपने भारत को सचमुच में विश्व के पटल पे सर्वोच्च स्थान ला करके ही दम लेना है। हम सभी देशवासियों से अपील करेंगे कि आप लोग अपने अपने स्तर से, हर देशवासी जिस भी तरह से देश की सेवा में समर्पण ला सकता है वो करे। उसका एक ही धर्म होना चाहिए, राष्ट्र धर्म, और अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन हम हर देशवासियों को करना चाहिए। ऐसे में मैं डॉक्टर एसबी तिवारी आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ अपनी बातें भी बताऊंगा, कुछ आपसे आग्रह भी करूंगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं खुद अपना लेखा जोखा आपके सामने रखूंगा। अतः हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को ऐसे ही समझ ले, अपना लक्ष्य अगर निर्धारित कर ले तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति का ये लक्ष्य देश के लिए बहुत बड़ा समर्पण हो जाएगा, और हमारा भारत देश निश्चित रूप से दुनिया में सर्वोपरि हो जाएगा। अब जैसे पहला लक्ष्य हमें क्या बनाना है, पहला लक्ष्य होना जैसा ही है। साथियों, कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हेल्थ इज वेल्थ। यानी पहला हमारा धर्म होना चाहिए कि हमें खुद को स्वस्थ रखना, और जब हम स्वस्थ रखेंगे अपने आप को तो जब सभी लोग स्वस्थ होंगे तो कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और जब मानसिक और शारीरिक रूप से जब स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक कार्य तो होने ही है, और हम अपने देश को कहां पहुंचा सकते हैं ये आप लोग नहीं सोच सकते। सचमुच में साथियों, अगर हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, आज जिस तरह से एक चिकित्सक होने के नाते हम भी देख रहे हैं, लोगों के अंदर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी जागरूकता नहीं आ रही। जब वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, तब उनको होश आता है। ऐसे में मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, खान पान सही रखें। निश्चित रूप से साथियों, जो हमारी भारतीय शैली है, भारतीय परंपरा है ना, उसमें ऐसी ऐसी चीजें समाहित हैं जिसका हम सचमुच में सदुपयोग करें तो हम निरोगी ही रहेंगे, रोग तो होगा ही नहीं। ऐसे में हम पाश्चात्य को अपना करके आज रोगी होते जा रहे हैं, तो इसे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज क्या है कि आप सुबह उठें, कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठें। अगर सूर्योदय के बाद उठते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने साथ खुद ही अन्याय नहीं कर रहे हैं, और मेरा आग्रह है कि आप लोग नियमित सुबह उठिए। उठने के बाद आप अपने दिनचर्या की शुरुआत पानी पी करके करिए। गुनगुना पानी पीने से साथियों शरीर में जो है डिहाइड्रेशन कि जो प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है, और डीऑक्सीजनेशन हमारे बॉडी में होता है, और हम जो है ना बिल्कुल जो है ताजा हो जाते हैं। तो सुबह का आहार हमारा गुनगुना पानी होना चाहिए, इसके बाद योग, और अपनी दिनचर्या की शुरुआत जो है योग से करें। आप मॉर्निंग वॉक करें, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप ग्रुप में हंसी मजाक भी कर सकते हैं,
अपने अच्छे अच्छे लोगों से सुबह मिलने की कोशिश करिए, सुबह की ताजी हवा लीजिए, आप देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सुबह सुबह ही मुझे कितना ज्यादा ऊर्जा मिल गई। इसके बाद अपने नित्य कार्यों में लगिए, कोशिश ये करिए कि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। अक्सर होता क्या है कि हम जिस कार्य की को करते हैं उसको उसमें दिलचस्पी बहुत लोग कम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं वो आपका कार्य समझिए कि सबसे बड़ा है। अपने कार्य को आप सबसे बड़ा समझिए, आप जो है उसमें प्रसन्न रहेंगे, आपका मन लगेगा। और जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं रहते ना, तो आप अपने कार्य में मन नहीं लगता। तो ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको भारतीय परंपरा में, आप अगर जिस भी धर्म के हों, आप जो जिस भी धर्म से हो, अपने धर्म के प्रति आस्था जरूर रखिए। आपको उससे भी ऐसा लगेगा कि हम कहीं ना कहीं मेरा कोई सपोर्ट कर रहा। तो अगर आपको अपने धर्म में आस्था है तो जैसे लगेगा कि कोई, अगर आप गलती भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई आपको रोक रहा है, कोई आपका सपोर्ट कर रहा। इसके बाद साथियों, मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय जानकारी दूं। साथियों, मैं लगभग 22-23 साल से होम्योपैथी चिकित्सा से आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। इस चिकित्सा पद्धति में हमने कुछ ऐसी चीजें पाई जो मैं आप लोगों को समय समय से शेयर भी करता हूं। आज इस पावन अवसर पे, इस राष्ट्रीय पर्व पे मैं चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूं। साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अगर सचमुच में देखा जाए तो वाकई एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कि सचमुच में सही तरीके से प्रयोग किया जाए, आज जिस तरह से लोगों की विश्वसनीयता इस चिकित्सा पद्धति पे हो रही है, ये बहुत ही सुखद है। उसके पीछे वजह भी है। आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसी बीमारियों के चपेट में आ रहा है जिसमें लंबे समय तक दवाएं चलने की परंपरा होती जा रही है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता को बहुत ही बड़ा आयाम दिया जा सकता है। आज जिस तरह से हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं और आज लोगों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, ये अपने लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। साथियों, जब गहराई में जाइए और जब पेशेंट को रिस्पांस मिलता है, वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को बताता है कि मुझे आराम मिला, और जब हम लोग दूसरे पेशेंट को देखते हैं और जिस तरह से धीरे धीरे सिलसिला ऐसा बनता चला जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वाकई इस चिकित्सा पद्धति को थोड़ा सा और अगर विस्तार रूप दिया जाए और इसमें शासन प्रशासन का ध्यान अगर आकर्षित हो, तो इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा आम जनमानस में एक बहुत बड़ा जो है क्रांति लाया जा सकता है। आज चाहे MND हो तो, किडनी की समस्याएं हो तो, गठिया की समस्याएं हो तो, गैस की दिक्कत हो तो, स्किन की प्रॉब्लम हो तो, पेट से संबंधित बीमारियां हो तो, यानी किसी भी तरह की असाध्य बीमारियां जहां पे और चिकित्सा पद्धतियां अपना हाथ खड़ा कर लेती हैं, ऐसे में साथियों होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता, इसकी विश्वसनीयता और लोगों द्वारा दिया गया फीडबैक ये दिखाता है कि निश्चित रूप से आज होम्योपैथी में बहुत बदलाव की जरूरत है। और आज जिस तरह से लोग विश्वास कर रहे हैं, अगर सरकार का भी ध्यान इस पे जाए, तो आज इस गणतंत्र दिवस पे मैं एक चिकित्सक होने के नाते सरकार का ध्यान भी इस चिकित्सा पद्धति के तरफ जो है आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप इस चिकित्सा पद्धति की गहराई को समझिए। हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत ऐसे चिकित्सक देश में खड़े हो जाएंगे जो इस चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिए निःशुल्क सेवा देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो सरकार अगर
इस चिकित्सा पद्धति को गहराई में जाकर के इसके रहस्यों को जानना चाहती है तो इस पे रिसर्च करवावे, निश्चित रूप से एक अलग क्रांति आएगी देश के अंदर। साथियों, मैं अपना खुद का योगदान बताऊं कि मैं समय समय से आप लोगों की सेवा शिविर के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, योग के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर के द्वारा, कई तरह के कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन करा करके समय समय पर आप लोगों की मैं सेवा करता रहता हूं। और कहा भी जाता है कि येसो न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। तो सचमुच में भारतीय संस्कृति के प्रति जरा भी समर्पण है तो यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर गुण, दया, धर्म और दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जरूर होनी चाहिए। और यही भावना हमारे भारतवर्ष को दुनिया से अलग करके और विश्वगुरु बनाने के लिए सिखाती। साथियों, मैं अगले कार्यक्रम की बात करूं तो अभी आप लोग देखते रहते हैं समय समय से कोई ना कोई आप लोगों की सेवा होती रहती है। मैं 4 फरवरी 2023 को लखनऊ के हाई कोर्ट, नया कैंपस जो हाई कोर्ट का बना है, कामता में वासुदेव नगर है, उसमें मैं योग शिविर लगवाऊंगा। और इसके साथ ही साथ जागरूकता अभियान दूंगा, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागृत करूंगा। और उसके बाद जो है एक बहुत ही प्यार भरी खिचड़ी भोज का आयोजन किया है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप लोग आइए, सुबह 8 बजे योग शुरू होगा, 9:30 बजे तक योग शिविर चलेगा। इसके बाद लगभग 2 घंटे का जागरूकता कार्यक्रम होगा। आप स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सलाह ले सकते हैं। आप जो है स्वास्थ्य के अलावा अन्य विषयों पर भी तमाम तरह के लोग रहेंगे जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है खिचड़ी भोज का आनंद लेंगे, देश से लेके लखनऊ के अच्छे अच्छे लोगों का पदार्पण हो रहा है। आप लोग भी आइए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। साथियों, मैं सभी देशवासियों से चलते चलते आग्रह करूंगा कि आप दुनिया में एक अनूठे हैं। प्रकृति के व्यवस्था के हिसाब से, ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल टू ईच ऑफ द अदर, यानी हर मनुष्य दुनिया में एक विशेष क्वालिटी लेकर के आया है, बस उस क्वालिटी को निखारना है। अगर आप भी अपनी प्रतिभा को मूर्त रूप दे दें, निखार दें, तो आप भी असाधारण मनुष्य बन सकते हैं। तो उस प्रतिभा को पहचानिए कि मैं दुनिया का सबसे अनूठा, सबसे अनोखा इंसान हूं। उस अनोखेपन को ढूंढिए। आज ये गणतंत्र दिवस आपको याद दिलाता है। आज हम लोग इस पावन पर्व पे अपने आप से बात करें, खुद से संवाद करें कि आखिर मेरे अंदर वो कौन सी शक्ति निहित है जो मुझे असाधारण बना सकती है। साथियों, जिसने सोचा उसने पाया, जिसने अपने अंदर छुपी हुई रहस्य को समझा वो पाया। जो भी महान बना है वो अपनी सोच से महान बना है। तो आज इस गणतंत्र दिवस पे आप अपने सोच को इतना बड़ा बनाइए। अगर हर देशवासी अपनी सोच को असाधारण बना दे, छुपे हुए रहस्य को बाहर ला दे, तो जरा कल्पना करिए, क्या हम विश्वगुरु नहीं बन सकते? क्या हमारा भारत सर्वोपरि नहीं हो सकता? जैसे हम इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं, अब भी बनेंगे और धीरे धीरे हम काफी हद तक बन भी गए हैं। आप लोगों को एहसास भी हो रहा होगा। ऐसे ही सामूहिक प्रयास हम देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।